थारा भाई युवराज जोगिंदर और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ग्रिप अ क्रिकेट बैट इन जस्ट वन रुपीज सो वीडियो को आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल पर करते ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आता रहता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्रिप चलाने से पहले हम इस पे पतंग वाला धागा अप्लाई करेंगे, तो देखें क्या फिनिशिंग है। ये मैंने बहुत मुश्किल से चढ़ा है, इसको करने में मुझे 40 मिनट लगे, तो आपको भी इसमें देर लगेगी क्योंकि आपको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप लोग सोचोगे कि ग्रिप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो ग्रिप के लिए हम यूज़ करेंगे एक साइकिल की ट्यूब का, जो किसी भी साइकिल रिपेयरिंग स्टोर पर आसानी से मिल सकता है। तो दोस्तों, मेरे घर पे ये साइकिल का ट्यूब अवेलेबल था। अगर आपके घर पे अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी साइकिल रिपेयर स्टोर से इसको परचेस कर सकते हैं 1 रुपीज़ से 5 रुपीज़ के बीच में। ध्यान रखना पंचर ट्यूब। इसको चढ़ाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक सिंपल पॉलिथीन का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बैट पे घर चढ़ाने से पहले हम ट्यूब को बैट हैंडल जितना कट कर ले रहे हैं, तो चलिए कट करते हैं। बैट पे ग्रिप चढ़ाने से पहले हम पॉलीथीन को अच्छी तरीके से ऐसे रोल कर लेंगे। इसके बाद हम इसका वन एंड लेके ट्यूब के एक एंड से निकाल के दूसरे एंड पर निकालेंगे। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप भी सेम ऐसी करना। तो दोस्तों, हमारी पॉलीथीन का एंड दूसरी साइड पे आ चुका है। अब जिस साइड पॉलीथीन के हैंडल हैं उस साइड से हम इसको बैट के हैंडल में डालेंगे और पुश कर देंगे, और देखिए कितनी स्मूथली चढ़ चुका है। अब आपके जो दोनों एंड निकल आए हैं, आप उसको काट लीजिए या कुछ इस तरीके से रोल ओवर कर लीजिए, फिर उस रोल को वापस नीचे कर लीजिए। नीचे करने से पहले आप पॉलीथीन को काट लीजिए। जो मेरी वाइट पॉलीथीन थी वो इतनी खिंच गई रोल ओवर करने में कि वो फट गई, तो मुझे फिर से ग्रिप चढ़ानी पड़ी ग्रीन पॉलीथीन की हेल्प से। तो आप थोड़ी मजबूत पॉलीथीन ही लेना, अच्छी क्वालिटी की। तो दोस्तों, रोल ओवर आप कुछ इस तरीके से नीचे ला सकते हैं, तो देखिए कितनी आसानी से रोल नीचे आ गया है और आपकी ग्रिप एकदम अच्छे से चढ़ गई है। आधी रह गई है, वो हम बाद में करेंगे। तो देखिए, हमने ऊपर और नीचे की साइड से दोनों पॉलीथीन काट ली है और हमारा बैट कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा नीचे करेंगे और इसी ट्यूब की एक छोटी सी रिंग काटेंगे, 1 सेंटीमीटर की है यह रिंग। इसको हम अंदर डालेंगे, फिर इसके ऊपर हम ग्रिप को वापस ले आएंगे। इससे ये होगा कि आपका बैट पे जो थोड़ा सा उभरा उभरा आ जाएगा पीछे की साइड से, और इससे आपका बैट हाथ में से नहीं छूटेगा, थोड़ा उभरा सा आ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, आप इस तरीके से करें। तो आप इस रिंग को आपके बैट पे जो कट आता है वहाँ तक रखें, और फिर इसके बाद जो रबर है यानी ट्यूब है उसको वापस ले आएँ, और फिर उसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा रबर को कटर की हेल्प से काटेंगे। फिर उसके बाद इस पे
टेपिंग करेंगे तो देखिए हमारा बैट एकदम अच्छी तरीके से ग्रिप हो गया है और एकदम अच्छा लग रहा है बैट। अब इसके ऊपर हम टेपिंग करेंगे, टेपिंग से और अच्छा लगेगा बैट, तो चलिए टेपिंग करते हैं। तो भाई टेप लगाने से बैट और अच्छा हो गया है, बढ़िया लग रहा है बैट एकदम। तो बात करें हम इसकी ग्रिपिंग क्वालिटी की, तो अभी तक हम मैं इससे खेला नहीं हूँ, तो खेल के टेस्ट करते हैं। तो भाई बात करें ग्रिपिंग क्वालिटी की, तो 1 रुपये के हिसाब से सुपर क्वालिटी है इसकी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई हमने अपना क्रिकेट बैट 1 रुपीस में एकदम अच्छी तरीके से ग्रिप कर लिया। आप भी अपना क्रिकेट बैट एकदम अच्छी तरीके से ग्रिप कर सकते, वो भी केवल 1 रुपये में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।